डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ अपना एक पार्सल अनबॉक्स करने जा रही हूँ। ये मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिसमें मेकअप का सामान और कुछ कॉस्मेटिक का सामान था, तो चलें इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि जो जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी वो हमें रिसीव हुई है कि नहीं हुई। और इसकी पैकेजिंग तो आपने देख ही ली होगी, अब इसे ओपन कर रहे हैं। ये तकरीबन मुझे 13-15 डेज़ में डिलीवर हो गया था और जो कॉस्मेटिक था वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में था। तो चलें अब इसे ओपन करते हैं और देखते हैं डिटेल से कि ये शॉपिंग मेरी कैसी रही। तो अगर आपको भी मेकअप में इंटरेस्ट है तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो बॉक्स के अंदर थी और कुछ उसके बाहर ही रखी थी। ज़ाहिर है कि बॉक्स वाली तो है वो डैमेज नहीं हुई होंगी, लेकिन बाहर वाली हो सकती हैं। तो सबसे पहले ये जो है मैंने बॉब का मस्कारा ऑर्डर किया था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये जो मार्फी की आप पेंसिल देख रहे हैं, ये हाइलाइटर पेंसिल है। इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की है। तो उसके अलावा बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह है। ये कुछ लिप ब्रश है, ये लाइनर है एले गर्ल का। तो उसके अलावा ये मॉर्फी की, जैसे कि आपने पहले देखी, ये 4 से 5 थी मैंने मंगवाई। तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी पैकेजिंग जो है वो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग थी, इस तरह से एक पेंसिल निकलती है और है ये हाईलाइटर पेंसिल है। तो आप इसे आइज़ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं और फिर नोज़ में भी जिस तरह आप यूज़ करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। बस आपको यूज़ करने आनी चाहिए, बाकी जो है वो आप देख रहे हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा ये लिप ब्रश है, इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है। इनकी क्वालिटी जो थी उसकी बात कर ली जाए तो बहुत ही अच्छी थी। मेटल के थे और इस तरह से आपको इन्हें टर्न करना होता है, रोटेट करेंगे तो बहुत अच्छा ब्रश निकलता है। आराम से आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट था और लिपस्टिक के लिए बहुत बेस्ट है। मैं टोटली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने लेना हो तो आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी की चीज़ें भी देखते हैं। ये स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस तो हैं वो मैंने फुल पैक ऑर्डर किया था। इसमें हर तरह के स्पॉन्जेस हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं। इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, रफ़ गंदे नहीं हैं। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिली। उसके अलावा आप देखते हैं कि ये क्या है, ये इन्होंने हमें जो है भेजी हैं, ये आपके हेयर रिबन है जो कि लेसिस के साथ बने हैं 2 पैक इसके। ये भी बहुत प्यारे हैं, बच्चे भी इसे कर सकते हैं यूज़ और गर्ल्स भी कर सकती हैं। लेसिस के बनने वाले थे, बहुत प्यारे हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे तो पर्सनली ये सारी जो अभी तक चीज़ें हैं ये सभी पसंद आई हैं। बस पैकेजिंग से थोड़ी मायूस हुई हूँ कि ये भी आपको बॉक्स के अंदर रखनी चाहिए थी, बाकी बहरहाल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो उसके अलावा देखते हैं ये क्या है। ये लिप स्क्रब था और ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे खोलना है, तो मैं इसे नीचे से ही खोल देती हूँ क्योंकि ऊपर से तो खुल नहीं रहा था। तो चले देखते हैं कि इसको ये किस तरह से है अंदर, क्योंकि मुझे बहुत देर तक इसकी समझ नहीं आ रही थी। ये पैक था फुल। तो बहरहाल ये आपके लिप के लिए बहुत अच्छा है, मैंने इसके रिव्यूज़ चेक किए थे कि बहुत अच्छा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चले इसे ओपन करके मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है। तो बहरहाल मैंने इसे उल्टी साइड से ही ओपन कर लिया था और फिर उसके अलावा इसे खोला तो इस तरह से निकला है। इसके अंदर छोटा सा ब्रश था जो निकालते ही गिर गया था, लेकिन बहरहाल मैंने उसे दोबारा कर लिया। इसकी पैकेजिंग आप देखें बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने बेशक बाहर रखा था लेकिन बॉक्स के अंदर था। अब यूज़ करूँगी, उसका रिव्यू भी दूँगी आपको टोटली कि ये जो लिप स्क्रब है ये किस तरह सा, लिप मास्क भी कह सकते हैं, स्क्रब भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यूज़ करने के बाद इसका रिव्यू दूँगी। बहरहाल पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी। रिज़ल्ट जो है वो बाद में शेयर करूँगी। ये एक कोहली की लिपस्टिक है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी उन्होंने की हुई थी। तो चलें इसे भी ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी है। वीडियो को अब मैंने थोड़ा सा इसकी स्पीड जो है वो तेज़ कर दिया ताकि जल्दी से खोलूं और आप देखें और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। इस तरह से इसकी पैकेजिंग थी, थोड़ा सा कार्डबोर्ड था वो थोड़ा डिस्टर्ब था, यानी कि थोड़ा सा ख़राब हुआ था, लेकिन बहरहाल अंदर से लिपस्टिक देखते हैं किस तरह की निकलती है। इसकी क्वालिटी और इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे। बहुत ही खूबसूरत रेड शेड था और ये आपको रोटेट करने पर ही ओपन होती है और ये बहरहाल बहुत प्यारी लिपस्टिक थी। डीप रेड कलर था तो थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि जैसे बंद करते हुए थोड़ी सी ऊपर से डैमेज है, लेकिन बहरहाल कलर बहुत प्यारा था। तो चले नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है।
ये सारी चीज़ों को छोड़ते हैं और आप खोलते हैं बॉक्स के इस बॉक्स के अंदर कौन कौन सा, ये सारा कॉस्मेटिक्स मैंने एक साथ ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे ज़ाहिर है कि कुछ दिन लगे थे चीज़ें सेलेक्ट करते हुए, तो मैंने अपना एक बॉक्स बनवा लिया था कि आप जो जो चीज़ें मैं करूँ एडवांस पेमेंट भी कर दी थी ताकि जो जो चीज़ें मैं ऑर्डर करूँ वो जो है मुझे मिलती जाएँ। तो इस तरह से ये जो था दो सिलिकॉन ब्रश मैंने ऑर्डर किए थे, ये मास्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लीच के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो दूसरे विसल्स होते हैं वो आपको हार्श लग सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगते। इस तरह ये दूसरे ब्रशेज थे, ये मैंने टोटल जो ऑर्डर किए थे वो 11 to 12 ब्रशेज थे, लेकिन मुझे रिसीव ओनली 9 हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा ये ब्रो मस्कारा था और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बॉक्स के अंदर था तो ऑब्वियसली इसकी पैकेजिंग भी अच्छी है। उसके अलावा ये वही वाले लिप ब्रश है जो मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, टोटल ये 5 हैं, 4 ये हैं और एक इससे पहले था। तो चलें इसे ओपन करते हैं, बहरहाल मुझे लगता है आपने पहले भी देखा है तो एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि इस तरह से रोटेट होगा और ओपन होगा और बहुत अच्छा है, लिपस्टिक के लिए बेस्ट है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। तो उसके अलावा ये वही मॉर्फी की पेंसिल्स हैं। तो उसके अलावा ये ब्रो पेंसिल है, एक तरफ से आपको इसके अंदर स्पूली मिल जाती है और दूसरी तरफ से आपको आईब्रो कलर मिल जाता है, तो आप आईब्रो फिल करें और उसके अलावा साथ में स्पूली है, तो ये भी ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है और आप आराम से इसे यूज़ करें, बहुत अच्छी इसकी भी क्वालिटी, मैंने पहले भी यूज़ की है। तो ये मैंने 2 ऑर्डर की थी। उसके अलावा मैंने ये मेकअप फिक्सर जो था वो ऑर्डर किया था, इसकी स्मेल भी बहुत अमेजिंग है, पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, फ्रेग्रेंस अच्छी हो तो आप वैसे भी आपका दिल करता है कि आप इसे यूज़ करो। उसके अलावा ये सिटी कलर का पैलेट था, मिनी था, आप इसे ब्रो बॉन के लिए और अपनी आईब्रोज के लिए, फिलअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्मोकी आई मेकअप जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, स्मोकी आईज क्रिएट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये भी बजट फ्रेंडली था, पैकेजिंग बहुत कमाल थी और रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। साथ में आपको छोटा सा ब्रश मिल जाता है जिसे आप यूज़ करते हुए आप अपना मेकअप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको 4 शेड मिले हैं, हाइलाइटर भी था और ब्रो बॉन के लिए भी कलर से। उसके अलावा ये 2 जो है मैग्नेट वाली लिपस्टिक थी, बहुत अच्छी हैं, इनके कलर बहुत प्यारे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, टोटली रेकमेंडेड है। कलर आपको चेक करवा देती हूँ, मेरून है, बहुत ही खूबसूरत है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने लेनी हो तो ज़रूर लें। उसके अलावा ये दोनों ही मेरी तरफ से रेकमेंडेड, आई थिंक ये दोनों ही रेकमेंडेड हैं आपको और दोनों ही 0606 नंबर था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये 3 लिपस्टिक थी, इनके नीचे टेस्टर थे, अगर आप चाहें तो ब्रश के नीचे भी अप्लाई, ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, नीचे आपको टेस्टर मिल जाता है और ऊपर आपको पूरी लिपस्टिक मिल जाती है, लाइक लिप ग्लॉस और लिपस्टिक 2-in-1 है, बहुत प्यारे कलर थे तीनों ही, बहुत खूबसूरत है। तो ऊपर से अगर देखा जाए तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और रीज़नेबल भी प्राइजेस में थे। तो चले नेक्स्ट देखते हैं, ये लिपस्टिक हो गई। उसके अलावा ये मुझे एक ब्लशन था और ये 3-in-1 ब्लशन था, इसकी पैकेजिंग इतनी कमाल थी और इसकी जो मतलब इतना खूबसूरत था कि बहुत ही प्यारा था। इसके साथ आपको छोटा सा ब्रश मिलता है, 3-in-1 ये है, और मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद टेप का ऊपर थोड़ा सा मैग्नेट पे आ रहा था, मिरर इसकी पैकेजिंग थी। उसके अलावा ये मेरे मोस्ट फेवरेट थी, इनका मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार था इन पैलेट्स का कि मैं इनकी क्वालिटी चेक करूँ, देखूँ कि ये कितने खूबसूरत हैं। तो ये पांडा पैलेट थे जो कि मैंने 3 ऑर्डर किए थे, तो ये देखें कि बहुत ही खूबसूरत है, इनकी पिगमेंट भी बहुत अच्छी है, मैंने इनका रिव्यू चेक किया है, टोटली रेकमेंडेड हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। उसके अलावा इतने प्यारे शेड, आपको हाईलाइटर मिल जाता है, ब्रो बॉन के लिए मिल जाता है कलर, आपको अपने हाई बॉल के लिए कलर मिल जाता है, सॉकेट लाइन के लिए, तो आप आराम से ट्रैवल फ्रेंडली आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर से। उसके अलावा ये काइली जेनर के जो है वो पैलेट है, इसमें आपको 4 ब्लशन मिलते हैं, आप उसे एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, देखें आपके ब्लशन के कलर में मिल रहे हैं आपको, अगर आप चाहें तो उसे ब्लशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप, मैंने इसे उल्टा खोल लिया था, ये देखें कितने प्यारे कलर हैं, तो हाइलाइटर ये पैलेट है और साथ में ब्लशन, तो बहुत बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरी तरह से ये भी जो है पैलेट जो है रेकमेंडेड है, आपको अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लें। उसके अलावा ये 3 और पैलेट थे, इसे भी मैं देखती हूँ और आपको बताती हूँ कि इनकी क्वालिटी कैसी है। ये इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी उन्होंने की थी, बबल रैप था, तो मुझे ये टोटली बहुत पसंद आए। तो बहरहाल ये देखें, ये खूबसूरत कलर हैं, आप मेरी तरफ से टोटली रेकमेंडेड, ये 3 पैलेट थे और बहुत ही अच्छे हैं। तो इनकी पैकेजिंग तो वैसे ही बहुत कमाल है, कलर्स भी इनमें बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं,
तो अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर लें, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। ये ओवरव्यू था मेरे मेकअप का, और मैं देख रही थी कि मेरे दो जो छोटे पैलेट हैं वो मुझे नहीं मिल रहे, मैंने उन्हें तलाश किया तो ये मिल गए मुझे वो दो पैलेट। तो इन्हें भी ओपन करते हैं और देखते हैं ये कैसे, ये भी आपको स्मोकी आई क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं। जो लोग स्मोकी आई मेकअप पसंद करते हैं उनके लिए ये जो पैलेट जो मैं ओपन कर रही हूँ मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है। और ऊपर से मैं आपको ये कहूँगी कि ये मेकअप सारा ही बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है सारा मेकअप। अगर आपने लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे भी ले सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।